साधना टीवी से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय गरौटा विधानसभा क्षेत्र में हूँ, जहाँ पर आज मौट नगर में हमारे साथ खास मुलाकात होने जा रही है। गरौटा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रहे और आज जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पूर्व विधायक दीप नारायण से। यादव दीप नारायण जी, आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा सवाल, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा सवाल, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी, जहां मतदाता का मतदान सुरक्षित नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम कह सकते हैं ये जब भी कोशिश किसी ने की है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे हमला है। अगर किसी को इस बात पे विश्वास है कि लोग हमारे साथ खड़े हैं, हमें वोट देंगे, वही दूसरी तरफ राजनीति में कोशिश है कि हम लोग अपने कामों से, अपने विचारों से कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अपनी बात रखते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं। सरकार में आने के बाद लोग फैसला करते हैं, इसको ही लोगों ने लोकतंत्र नाम दिया है। लेकिन यदि कोई सत्ता के मद में बिना काम किए मशीनों में गड़बड़ी करने की कोशिश करता है तो ये किसी व्यवस्था पर हमला नहीं बल्कि लोकतंत्र पर हमला है और ये गंभीर विषय है। मैं सोचता हूँ कि इस तरह के हालात से कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि इससे वो कमज़ोर होंगे और इसको समाजवादी पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, बल्कि देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मुझे यकीन है कि इस बार जो लोगों का रुझान दिख रहा है समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। हम शहरों में कमज़ोर बताए जाते थे, हम लोग माना करते थे कि शहर में हमें समर्थन नहीं मिलता है, लेकिन आज लोग अखिलेश यादव जी के काम को याद कर रहे हैं, उनके फैसलों को याद कर रहे हैं और मुझे विश्वास है जिस तरह से हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है समाजवादी पार्टी बड़ी सफलता पाने जा रही है। जी विधायक जी, आपसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में कानपुर में जो मशीन पकड़ी गई है जहाँ कमल का वोट जा रहा था, ऐसे में यहाँ का जो मतदाता है कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए परेशान है कि कैसे उसका पसंदीदा उम्मीदवार को चुन सके। देखिए, धीमे धीमे जागरूकता फैल रही है, ये बहुत गंभीर विषय है। हम लोगों ने भी निर्वाचन आयोग के संज्ञान में डाला है कि सिस्टम में कौन कौन लोग शामिल हैं, खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं हम लोग अलर्ट भी किए लोगों को कि ईवीएम मशीन चालू करके पहले देखिए, टेस्ट उसका कराइए, उसका नंबर कोड नंबर सब नोट करिए। मुझे भरोसा है कि आप लोगों में, समाज में जागृति आई है और इस इतना आसान नहीं है बेईमानी करना, और बेईमानी करेंगे तो फिर इसका तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में लोगों को समाजवादी पेंशन मिला करती थी, लोगों को जो सारी सुविधाएं मिला करती थी, वो आज लोग परेशान है, राशन पानी के लिए भी मोहताज कर दिया पार्टी ने। मैं कह सकता हूं कि पहली बार इन 70 सालों में ऐसा हो रहा है कि नगर पालिका नगर निगम के चुनाव में मुख्यमंत्री को वोट मांगना पड़ रहा है, वहीं उनके मंत्री उप मुख्यमंत्री दौड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर लिए घूम रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है, ये साबित कर रहा है कि इन्होंने जनता के बीच में कुछ किया नहीं है, इनका खुद का विश्वास टूटा हुआ है। नगरों में ये प्रभावशाली बताए जाते थे, आज ये डरे हुए हैं जिसके कारण घूम रहे हैं। मैं कह सकता हूँ उसकी डर की वजह है, इन्होंने दिया नहीं है 9 महीने में कुछ, और मैं कह सकता हूँ देश की सरकार ने 4 साल में भी सिर्फ धोखा दिया लोगों को। आपने कहा था कि हम 15 लाख रुपए खाते पहुँचा देंगे, वो आपने चुनावी जुमला बता दिया। आपने कहा 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे, उसके बाद 50 लाख नौकरी आपने देश की कम कर दी। तो कहीं ना कहीं सबको धोखा दिया है। कर्जा माफी को लेकर भी आपने जो बातें कही थी वो उससे बदल गया। वहीं प्रदेश की सरकार की हम बात करें, इन्होंने 4 लाख गरीब किसान मजदूर के बेटों से लैपटॉप छीने हैं योजना बंद करके। इन्होंने 3 लाख किसान और मजदूर की बेटियों से कन्यावेदन छीना है, कन्यावेदन की जो राशि मिलना थी उनको। इन्होंने 55 लाख महिलाओं, गरीब महिलाओं की पेंशन छीनी है। ये सब छीनने वाले लोग हैं, इनको वोट मिलने वाले नहीं है। कहीं ना कहीं जनता इन्हें जवाब देने वाली है, इसलिए घबराए हुए हैं। इन्हें अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, नेताओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए खुद घूम रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस बार बीजेपी के खिलाफ मतदान करेंगे। बीजेपी के खिलाफ मतदान करेंगे लोग, ये आवाज़ थी पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की। ऐसे में जनता का जो रुझान है वो निश्चित ही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होती नजर आ रहा है, जहाँ तक मतदाता की आवाज़ है। नमस्कार, साधना टीवी से।